पीनट वह नन्हा और जिज्ञासु गिलहरी जंगल में एक शांत शाम बिता रहा था जब उसने एक हल्की फड़फड़ाहट की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक समझदार और रहस्यमय कौवा एक शाखा पर बैठा था। पीनट, कौवे ने गहरी और सुकून भरी आवाज में कहा, आज रात आसमान हमें एक रोमांचकारी यात्रा पर बुला रहा है। ने साथ थोड़े से मेवे और अखरोट की पोटली बांध ली। पता नहीं कब जरूरत है, कौवा हवा में उड़ चला। नीचे की दुनिया हरियाली और चांदी के रंगों में धुंधली हो गई और वे सितारों की ओर बढ़ने लगे। पीनट ने चारों ओर देखा और आश्चर्यचकित रह गया। तारे हीरो की तरह चमक रहे थे और चांदनी ने पूरे दृश्य को जादुई बना दिया। ठंडी हवा ने उसके फर को सहलाया और पहली बार उसे उड़ान का असली जादू महसूस हुआ। जैसे ही वे और ऊपर पहुंचे, कौवे ने अपनी चोंच से आसमान में चमचमाते रास्ते की ओर इशारा किया। यह, उसने समझाया, सितारों की नदी है। यह हमें हमारे गंतव्य स्टारलाइट ग्लेड तक ले जाएगी। पीनट अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह नदी जीवित सी लग रही थी, जैसे वह बह रही हो और चमक रही हो। जैसे ही वे सितारों की नदी का पीछा कर रहे थे, पीनट ने आगे एक हल्की चमक देखी। वह क्या है, उसने पूछा। ग्लेड का प्रवेश द्वार, कौवे ने जवाब दिया। यह तारा आत्माओं द्वारा संरक्षित है, तो छोटे चमकते हुए जीव उन्हें घेरने लगे। तारा आत्माएं, जो जुगनू से भी छोटी थी, कौवे और पीनट के चारों ओर नृत्य करने लगी और उनकी मुलायम रोशनी से वातावरण को रोशन कर दिया। उन्होंने एक मधुर धुन गाई जिससे पीनट को शासन थे। केंद्र में एक झील थी जो आकाश को इस तरह प्रतिबिंबित कर रही थी जैसे वे स्वयं सितारों के बीच चल रहे हों। कौवे ने पीनट को झील के पास ले जाया। यह है विशिंग पूल, उसने कहा। आज रात तुम एक इच्छा कर सकते हो। ग्लेड उनके दिल की शुद्धता पर इनाम देता है। इच्छा फुसफुसाई। मैं चाहता हूँ कि जंगल में हर किसी के पास हमेशा खाने के लिए प्रकट हुई, इस बार एक छोटी चमकती हुई अखरोट के साथ। उन्होंने उसे पीनट के हाथों में रखा। यह तुम्हारे लिए है, उन्होंने अपनी छोटी आवाजों में कहा। तुम्हारे निस्वार्थता के लिए आभार का प्रतीक। जैसे ही चांद डूबने लगा, कौवा और पीनट फिर से आसमान में उड़ चले। पीनट को एक अनोखी संतुष्टि महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अब और भी जादुई और संभावनाओं से भरी हुई है। कौवे ने उस शाखा पर धीरे से उतरकर लैंडिंग की जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। पीनट कौवे की पीठ से उतर गया और चमकते अखरोट को कसकर पकड़े रहा। धन्यवाद कौवे, उसने कहा। यह मेरी जिंदगी की सबसे अद्भुत रात थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल को छूने लगी, पीनट ने चमकते अखरोट को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि इस यात्रा ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है।